तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी जो है लगभग 3 बज रहा है, मैं इस टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ और सारा काम हम लोग फ्रिज कर लिए। अभी देखिए टेंट का पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और बाहर भी पड़ा हुआ है। भैया फ़ोन किए थे कि मतलब ले जाइए, सब खाली हो गया और सारे मेहमान चले गए हैं। बस उड़िया भाभी को हम लोग नहीं जाने दिए हैं, उड़िया गोरखपुरिया जो भाभी हैं, और बस तिरसा है और सब लोग चले गए हैं। सब लोग एकदम पूरा घर झनझन कर रहा है। यही घर है, इतना बड़ा घर है कि जब मेहमान थे तो कहीं जगह नहीं था और अब पूरा घर खाली ही खाली है। सन्नाटा है, बहरहाल सन्नाटा है, मगर आज अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग थके हुए हैं और सबका सर दर्द करने लगा था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक दो दिन बाद यही सन्नाटा अच्छा नहीं लगेगा। तो सब लोग सो रहे थे तो हम सोचे थोड़ा आप लोग से बात कर लें, ब्लॉगिंग के जरिए कुछ बताएं कि कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों सब कुछ, सारी रस्में रिवाजें अच्छे से हो गई हैं और बर विदाई भी सबका बहुत अच्छे से हुआ है। कोई नाराज़गी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो गया है और बहुत अच्छा लगा। इन सब मामलों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज नहीं हुआ, सब सबको जैसे अच्छे से बुलाया गया था अच्छे से बर विदाई हो गया है। नहीं जानते हैं ना कि इन्हीं सब मौक़ों पर लोग नाराज़गी हो, नाराज़गी दिखाने का और गुस्सा होने का बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ अच्छे से हो गया। खाना पीना भी सब कुछ, कुछ भी कम नहीं पड़ा, भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हुआ। और इसके बाद से तो दोस्तों यह है भाभी जी हमारी, तो आप लोग बताते हैं कि गिफ्ट में इनको भैया क्या दिए थे, ये खुद बताएंगे। बताइए क्या मिला था। अभी नहीं बताएंगे, अभी बनाएंगे तब बताएंगे। चलिए आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई डाल चुका है आपसे पहले ही, डाल बहुत लोग। तो दोस्तों अभी मेहमान लोग आए हुए थे, दोस्तों रिंग मिला है, हम भी रिंग दिए हैं, वो भी रिंग दिए, लेकिन आप सभी को अच्छे से वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, उसको क्योंकि हम भी नहीं देखे हैं दोस्तों, बस ये था वहाँ स्टेज पे पहनाते हुए देखे थे। इसके बाद जो है क्या कहा जाता है, खो न जाए अंगुली, देख ही रहे हैं आप लोग, थोड़ा अंगुलिया दिखा दीजिए अपना, पोलियो वाला है, ज्यादा है भी नहीं है, मुर्गे टांग जैसा। तो इसमें वो फिटिंग का नहीं था, भैया फिटिंग का नहीं लाए थे तो गिर जाता कहीं, तो इसलिए भाभी तुरंत रख दिए। अब सब लोग चले गए, जब थोड़ा तबीयत, उनको भी अच्छे से फिटिंग का नहीं मिला, हमको भी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, सब हो जाएगा, खाएंगे पियेंगे तो उसको। इस समय दोस्तों बहुत ज्यादा तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है शरीर। हाँ, नमस्ते, नाव जरूर तू, नमस्ते भाभी, रिया भाभी आई हुई है। कुछ ना लगे कल लिपस्टिक के लगे निकाली है, तू मेकअप करके बैठे लालू, हम उसे लालू आधा मेकअप करनी तो इसे सबसे कर लीजिए, कूदे जाती का यार जय कर के आइए। नहीं नहीं ठीक, हम इसी आते। सब लोग आए हुए थे, भाभी भी आई हुई थी, तो अभी भाभी जा रही हैं। नहीं जा रही है, अभी वीडियो शूट करेंगे सारी। ओ अच्छा, लोकेशन ढूंढ कर आई हुई है। तो लोकेशन ढूंढ के नहीं आए थे, आए थे बाबू का साइकिल लेके। अच्छा, कौन सी शॉर्ट वीडियो की गाना। सब लोग चले गए हैं और आप लोगों को पता ही है कि मतलब एनिवर्सरी के दिन भैया भाभी को क्या दिए हैं, तो रिंग दिए हैं, भैया भाभी को दिए और भैया भाभी को दिए, दोनों लोगों का सेम सेम गिफ्ट निकला। जबकि दोनों लोग एक दूसरे को बताए नहीं थे कि क्या गिफ्ट ये लोग देंगे, दोनों लोग एक दूसरे के साथ सरप्राइज रखे हुए थे कि बताया नहीं जाएगा। दोनों लोग स्टेज पर ही खोले पाए और दोनों लोग का गिफ्ट जब सेम सेम निकला तो लोग बहुत खुश हो गए और हंसने लगे कि हम लोग का माइंड सेंस कितना सेम सेम है, ये चीज़ सोचकर वो लोग हंसने। वो भी रिंग सोची थी, ये भी रिंग ही सोचे थे, तो ये सरप्राइज था। तो जो है क्या कहा जाता है, अच्छा लगा कि दोनों लोग का मतलब सोच सेम सेम है और बहुत कम ही ऐसा मिलता है कि सब लोग का सेम। और इधर देखिए हमारी भाभी जी है, ये जो ये देखिए हम लोग तैयार होकर घूम रहे हैं दोस्तों, तो सबनम को हो रही है जलन, सब लोग कह रहे हैं तो लोग तैयार है तो वीडियो काहे ना बनाओ, से काहे लिए तो हम लोग तैयार होकर सो गए। हम लोग की कल हम लोग तैयारी नहीं हुए थे, हमारी तो कल तबीयत डाउन लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा बहुत ठीक है, कल से कुछ लगा, ज्यादा कुछ नहीं लगा है बस। दोस्तों भाभी गोरी है ना, तो ऐसे ही निखार इनका नेचुरल, उसमें थोड़ा पाउडर बस हल्का लगा लेती है, खराब हो गया मेरे मुँह में, नजर लग गया। असल में इनका स्किन एकदम सॉफ्ट है, कोई दाना वाना नहीं है। हाँ, तो सब लोग अरे गुड़िया तहार ऐसे है वैसे है, उसी में नजर लगा है, जाके घर पे एक पाव मिर्ची से नजर उबारना पड़ेगा दोस्तों। नहीं दोस्तों ऐसा ही ठीक, क्रीम उम एक आध बार लगेगा ना, दाना वाला सही हो जाएगा। सही,
वो क्या है कि कुछ गलती से कुछ लोग होते हैं शादी विवाह में इकट्ठा होते हैं तो ट्रायल मार देते कि आप भी लगाइए भाभी, ट्राई मारे तो ट्राई मारने का आज नतीजा भाभी कुछ अपने फेस पे नहीं लगाती है उस तरह, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे या कहने पे जबरदस्ती पे हम क्या लगाते क्या लगाए थे एवर यूज का स्क्रब लगा ली थी, स्क्रब लगाए थे तो उसके वही सब कहते हैं ना कि मतलब उससे डेड स्किन निकल जाता है, निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसे भी हमारे कुछ खराब नहीं होगा, इसलिए उसको रगड़वा लिए, बेचारी लगाई पूरा दाना निकल गया, ऐसे वीडियो में पता नहीं चल रहा, नहीं तो उस तरह चेहरे पे बारीक बारीक व्हाइट व्हाइट है, यहाँ पे पूरा इधर छोटा छोटा यहाँ पे निकला हुआ है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो है भाभी भाभी जो है इसीलिए टेंशन में है, किसी को भी टेंशन जिसका चेहरा स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है तो देखिए डर की वजह से हम कुछ भी नया चीज नहीं लगाते हैं और खराब हो गया, बाकी तो सब कुछ ठीक है। और आज हम लोग भाभी को जाने नहीं दिए क्योंकि हम लोग भाभी के साथ मस्ती, भाभी के साथ मजा आता है, जैसे लगता है एकदम घर की है, कितने दिन से मिले हुए इनसे, कोई जैसे है ना तेरा क्या है बरसों का मुझसे है नाता कोई, तेरा बरसों का मुझसे है नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तो यही बात है ना, नहीं सुने क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग भोजपुरी में लीन रहते हैं, तो बस वही बात है कि इनसे कोई बरसों का नाता होगा तभी मन को हमारे लुभाते हैं। दहिया धड़ाई होते एकदम। तो दोस्तों सब लोग मिलके चावल सुखा रहे हैं, इसका हम लोग बनाएंगे नमकीन छान के। हाँ और शबनम देखिए शबनम फैलाई हुई है पूरा नमक, ऊपर से दोस्तों छीटी थी एकदम बढ़िया खाद की तरह हरा भरा। तो शबनम जी आपकी दीदी चली गई, कैसा लग रहा है? तनको अच्छा नहीं लग रहा, तनको अच्छा इनको नहीं लग रहा है, और जो है शबनम सब लोग सुस्त है दोस्तों, सब लोग थके हुए हैं, दीदी चली गई और अच्छा नहीं लग रहा है, सच में सच में अरे का कान के उची डाल दे लिया विटामिन दी इसी विटामिन में मिक्स हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आज पूरी फैमिली की लास्ट विदाई हो रही है, और इधर भैया एक ऑटो आया हुआ है मकान मालकिन जी का, सब लोग इसी में जा रहे हैं फाइनली, इधर भी सब है और सब लोग चले जाएंगे एकदम, घर सोना साना रह जाएगा, बस मम्मी रह जाएंगी और गुड़िया भाभी, गुड़िया भाभी भी रहेंगे, हम लोग इनको जाने नहीं देंगे, और बाकी सब लोग निकल रहे हैं, सबकी आखिरी विदाई हो रही है और सब लोग एक दूसरे से मिल मिल करके रो रहे हैं। इधर देखिए इनको हम लोग इतना रो रहे हैं, जा रहे हैं पूजा दीदी, अरे ये पगली सो के जग रही है क्या अभी, शबनम रो रही है बहुत ज्यादा बेचारी, शबनम मत रो ना, तू वो रो लगी है तब दुनिया ना के रो लगा, देखिए उनको भी रुला दी सब लोग प्लानिंग किए हैं आज चले जाएंगे, ये देखिए इधर भाभी भी उदास हो गई है क्योंकि सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, सब लोग फाइनली सेट हो गया, बहनी को देखिए चश्मा उश्मा लगा के बैठे गजब, भैया एक बार बहनी को देखिए चश्मा लगा के, अरे बाप रे बाप गजब, बड़ बाप के बिगल बेटी। ओके दोस्तों हाँ चेक करे थे, ये चेक कर रही है कि खाद इसमें परफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कम पड़ा है खाद, चला तो खाद कम पड़ा है, जब खेती हो तब फिर खाद छिटा जाएगी, हाँ मस्त खाने लायक, सूख जाएगा तब भी आदमी खा सकता, पका हुआ है ना दोस्तों, हम लोग बढ़िया पका करके चावल को नमक डाल के और इसके बाद सूख जाएगा जब बढ़िया तो खाएंगे, आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने अपने घर पे कैसा लग रहा है, और तो ओके दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।